स्टूडेंट्स वेलकम टू बायो कूल, स्टडिंग बायोलॉजी इज कूल। वेल तो बेटा आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नोन एज हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, बड़ा ही बेसिक टॉपिक है, ये तो आता है। नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है आपको आता है लेकिन बहुत बारीकियां हैं जो आपको समझनी है। स्पेशली ये पॉइंट कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के, लंग्स के कंजेशन का हार्ट फेलियर से क्या रिश्ता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स गड़बड़ पढ़ते हैं, अगर आप सही पढ़ते हैं अच्छी बात है, अगर गड़बड़ पढ़ते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि लोग उसको जनरली उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनेगा, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हार्ट फेलियर के, बेटा फेलियर वर्ड पर अगर हम फोकस करें तो फेलियर का इतना मतलब है कि यार मुझसे जो एक्सपेक्टेड था मैंने नहीं किया तो मैं फेल हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेट्स से कारपेंटर हूं तो मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मान लो मैंने टेबल बनाना है, मैंने टेबल नहीं बनाया ठीक से तो मैं एज अ कारपेंटर फेल हो गया। मैं एग्जाम में फेल हो गया मान लो, तो मुझसे एक्सपेक्टेड था कि मैं एग्जाम में ऐसे परफॉर्म करूं, इतना पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ा, मैंने आंसर वैसा नहीं दिया, बस एग्जाम में फेल हो गया। तो फेल होना सिंपल सा ही है कि जो काम मुझसे एक्सपेक्टेड है मैंने नहीं किया तो मैं फेल हो गया। अब ये आप कहीं भी जोड़ दो, फॉर एग्जांपल रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर, किडनी से एक्सपेक्टेड है ब्लड फिल्टर करो, नहीं कर रही, फेल हो गई। सिमिलरली हार्ट से क्या एक्सपेक्टेड है, हार्ट से ही एक्सपेक्टेड है कि भैया तुम पंप करो ब्लड को, पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाओ, और ब्लड पहुंचाने से क्या हो रहा है, आप ऑक्सीजन पहुंचा रहे हो, तो अगर हार्ट ऑक्सीजन पहुंचाने में फेल हो जाता है या ढंग से बीट नहीं करता तो हार्ट फेल हो जाता है, नोन एज कार्डियक फेलियर। इतनी सी बात है, ठीक। अब कॉन्सेप्ट दूसरा ही आता है कि यार कंजेशन ऑफ लंग्स का क्या रिश्ता है। एनसीईआरटी बोलती है कि वन ऑफ द मेन सिम्टम नॉट कॉज, वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर इज कंजेशन ऑफ लंग्स, मतलब हार्ट फेलियर की वजह से कंजेशन ऑफ लंग्स हो रहा है। स्टूडेंट्स उल्टा पढ़ते हैं कि कंजेशन ऑफ लंग्स की वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, नहीं, हार्ट फेलियर की वजह से कंजेशन ऑफ लंग्स होता है, ठीक है ना। तो वो क्यों होता है उसको समझा रहा हूं कि क्या रिश्ता है, उसको समझना बहुत सिंपल है। मान लो आपका हार्ट है, मान लो बढ़िया बीट कर रहा है, स्ट्रांगली बीट कर रहा है, बढ़िया रिदम में बीट कर रहा है, तो ब्लड फ्लो बढ़िया रिदम में चलता रहेगा, बीट किया फ्लो, बीट किया फ्लो, बीट किया फ्लो, ठीक, यही होता है। अब हार्ट फेलियर में क्या हुआ है, हार्ट स्लो हो गया। मेरे को कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, समझ लो, ये ऐसे समझ में आएगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हार्ट स्लो गया और अच्छे से बीट नहीं कर रहा, तो ब्लड जा रहा है बड़ी धीरे से आ रहा है, जा रहा है बड़ी धीरे से आ रहा है, ठीक से आ भी नहीं रहा क्योंकि जा ही नहीं ठीक से रहा है ना। तो जो फ्लो है ना ब्लड का, उसका जो मूवमेंट है वो स्लो हो गया। अब कोई चीज स्लो हो जाएगी तो ठहर जाएगी, तो ब्लड ऑर्गन्स में ठहरने लगा है, रुकने लगा है, और स्पेसिफिकली ब्लड रुक जाता है लंग्स में। अब यहां समझना, लंग्स में ब्लड रुक गया, इकट्ठा हो गया। अब जब लंग्स में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा ना, तो उसकी ब्लड कैपिलरीज में इकट्ठा होने की वजह से प्रेशर लगाएगा वॉल्स में, और वहां से प्लाज्मा निकल निकल के लंग्स के अंदर आ जाएगा, एल्विली में आ जाएगा, ठीक है ना, आ रही बात समझ में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा, तो वहां पर फ्लूइड भर जाएगा, एल्विली में फ्लूइड भर जाएगा। क्यों भर गया, क्योंकि ब्लड का फ्लो स्लो हो गया, क्योंकि हार्ट स्लो बीट कर रहा है, तो उसकी वजह से लंग्स में कंजेशन हो जाता है। आ रही बात समझ में, तो हार्ट फेलियर की वजह से ब्लड इकट्ठा हो रहा है लंग्स में और वहां पे प्रेशर लग रहा है, वहां से ब्लड से फ्लूइड निकल निकल के लंग्स में जा रहा है, पल्मोनरी एडमा कॉज कर रहा है, या पल्मोनरी एफ्यूजन बोलते हैं इसको, कॉज कर रहा है, इसकी वजह से कंजेशन ऑफ लंग्स हो जाता है। इसकी वजह से हम हार्ट फेलियर को कई बार बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और कई टीचर्स यहां इस तरीके से उल्टा पढ़ा देते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं, मैंने खुद देखा है टीचर्स को पढ़ाते हुए या बच्चों को बताते हुए कि भाई लंग्स में कंजेशन हो गया, उसकी वजह से लंग्स काम नहीं कर रही, तो हार्ट के पास ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, तो हार्ट ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, ये ऐसा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी यहां ये नहीं बोल रही है, वो पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रही है, वो सिम्टम की बात कर रही है। वो कह रही है कि सिम्टम है कंजेशन ऑफ लंग्स इन द केस ऑफ हार्ट फेलियर,
कॉज नहीं है कि लंग्स में कंजेशन हो रहा तो हार्ट फेल हो रहा है, नहीं, वो उल्टा है, वो गलत है, ठीक है। असर्शन रीजन में आप गड़बड़ कर दोगे अगर आप ऐसे सुनोगे तो। ध्यान रखना, कंजेशन ऑफ लंग्स इज अ सिम्टम बिकॉज हार्ट फेल की वजह से, लंग्स में ब्लड भरने की वजह से, फ्लूइड भरने की वजह से, ठीक है, फ्लूइड लंग्स में चला जाता है एंड कंजेशन कॉज करता है, एंड दैट्स व्हाट इट इज नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो पढ़ते रहिए इन बायो कूल, स्टडिंग बायोलॉजी इज रियली वेरी कूल। थैंक यू वेरी मच।